गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। पिछले लेक्चर में मैंने फिनिशेस का थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया था और आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिनिशेस, यानी परिसज्जा के प्रकार। परिसज्जाएं वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, केमिकल फिनिश होती है, मैकेनिकल होती है, परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है, फिजिकल होती है, तो कई प्रकार की फिनिशेस होती हैं। जैसे पहली फिनिश का हम बात करेंगे, विरंजन करना यानी ब्लीचिंग। ब्लीचिंग फिनिश जो होती है वो एक केमिकल फिनिश है, यानी रासायनिक परिसज्जा होती है, और इस रासायनिक परिसज्जा से वस्त्र को और भी सफ़ेद और भी वाइट बनाया जाता है, और इसमें सूती वस्त्रों को और वुलन यानी ऊनी वस्त्रों को अधिकतर ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ब्लीचिंग अधिकतर सूती और ऊनी वस्त्रों पर ज़्यादा की जाती है, क्योंकि जब सूती वस्त्र बनते हैं या ऊनी वस्त्र बनते हैं तब उन पर काले भूरे से धब्बे पड़ जाते हैं बनते समय में, तो उन धब्बों को हटाने के लिए हमको ब्लीचिंग करनी पड़ती है। और ब्लीचिंग के लिए क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड्स केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू फैब्रिक केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे क्लोरीन या हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर दूसरी फिनिश है कड़क करना यानी साइजिंग। साइजिंग जो है वो एक अस्थाई फिनिश है, मतलब धुलाई के बाद में ख़त्म हो सकती है, और ये एक फिजिकल यानी भौतिक परिसज्जा होती है। इसमें वस्त्र के ऊपर या तो वैक्स लगा दिया जाता है, मोम, या फिर गम यानी गोंद लगा दिया जाता है, और या फिर मांड यानी स्टार्च लगा दिया जाता है। तो जो ऐसे वाले वस्त्र होते हैं जिन पे वॉर्प और वेफ्ट, मतलब जिनका गणांक कम होता है, मतलब उसमें जो वीविंग में थोड़े दूर दूर धागे होते हैं, तो वो छन छना सा जो कपड़ा होता है वो, तो उसमें छिद्र बंद करने के लिए, बीच का जो गैप है वो ख़त्म करने के लिए, या तो मोम यानी वैक्स, या तो मांड यानी स्टार्च, या गोंद गम इस्तेमाल करते हैं, और उसको फैला दिया जाता है, और उस प्रकार से जो वस्त्र बनता है वो एक चिकना और कोमल चमक वाला वस्त्र बनता है साइजिंग फिनिश के बाद में। फिर नेक्स्ट है सिंजरिंग यानी झुलसाना। झुलसाना जो है वो एक मैकेनिकल फिनिश है, यानी यांत्रिक परिसज्जा, यानी मशीन से की जाने वाली फिनिशेस। तो यांत्रिक परिसज्जा जो है वो इन वस्त्रों पर दी जाती है, जैसे कुछ वस्त्रों पर रोएं आ जाते हैं, जो वस्त्र पर रोएं आए हुए हैं उनको जला दिया जाता है, सिंजरिंग यानी झुलसाना। उनको जलाने के बाद वो रोएं जब हट जाते हैं तो चिकनी चमक कोमल हमको सतह यानी सरफेस मिल जाती है। तो जिन पर रोएं आए हुए हैं वस्त्रों को, उनको जलाया जाता है, हटाया जाता है, क्योंकि रोएं से जो सतह होती है वो खुरदरी और फीके रंगों वाली दिखाई देती है। तो जैसे सूती वस्त्र है या ऊनी वस्त्र है, स्पेशली इन्हीं पर ही सबसे ज़्यादा झुलसाना वाली जो सिंजरिंग फिनिश है वो यूज़ की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है कि गैस की फ्लेम पर से, या फिर गर्म प्लेट्स होती है, तो गर्म प्लेट दो होती है, उसके बीच में से या तो सूती या फिर जो वुलन वस्त्र है उसको निकाला जाता है फटाफट, तो जो एक्स्ट्रा रोएं, जो अतिरिक्त रोएं ऊपर आए हुए हैं वो झुलस जाते हैं, वो हट जाते हैं, और जो फाइनल वस्त्र बनता है वो कोमल चमकदार वस्त्र हमको प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है टेंटरिंग। टेंटरिंग जो फिनिश है वो मैकेनिकल फिनिश है, एक यांत्रिक परिसज्जा है, इसमें भी मशीन काम में आती है। और टेंटरिंग जो फिनिश है उसमें क्या किया जाता है कि जो वस्त्र के वॉर्प और जो वेफ्ट होते हैं, मतलब ताना और बाना, उसको 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है, और 90 डिग्री के एंगल पे जब वॉर्प और वेफ्ट होते हैं तो वस्त्र का आकार, रूप सब बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि एक मशीन होती है, मशीन में दोनों तरफ पिंस लगी हुई होती है,
तो जो अपना वस्त्र है उसकी किनारी जो है वो पिंस पर अटका दी जाती है और किनारी मशीन के दोनों पिंस पर लटका के फंसा के और गर्म भाप में से उस वस्त्र को निकाला जाता है। जब गर्म भाप में से पूरी खिंची हुई किनारी का वस्त्र निकल रहा है तो समान चौड़ाई का हमको वस्त्र प्राप्त होता है। समान चौड़ाई के साथ साथ में वॉर्प और वेफ्ट मतलब ताना और बाना भी 90 डिग्री के कोण पर हमको प्राप्त हो जाते हैं टेंटरिंग फिनिश के द्वारा। नेक्स्ट है वस्त्रों को कूटना यानी बीटलिंग। बीटलिंग जो है वो केमिकल प्लस मैकेनिकल फिनिश है यानी रासायनिक परिसज्जा भी होती है यानी रसायन भी यूज होते हैं और यांत्रिक परिसज्जा भी है यानी मशीन भी यूज होती है। इसमें मशीन भी होती है और रसायन भी यूज होते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि वस्त्र को लकड़ी के जो रोलर्स हैं उस पे से गुजारते हैं और जब लकड़ी के रोलर पर से वो गुजरते हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा केमिकल फैलाते जाते हैं और लकड़ी का ही हथौड़ा होता है वो उसके ऊपर कुटाई करता रहता है और इस तरह से जो सूत होते हैं वो थोड़े चपटे हो जाते हैं और चपटे होने से जो बीच में रिक्त स्थान है वॉर्प और वेफ्ट में ताने और बाने में वो भर जाता है तो जो वस्त्र बनता है वो अच्छा चिकना और कोमल बनावट का हमको दिखाई देता है। स्पेशली सूती और लिनन वस्त्रों में ये किया जाता है तो चिकना और कोमल के अलावा जो गोल गोल सूत थे रेशे थे वो चपटे हो गए तो अब उनमें वस्त्रों की कुटाई के बाद उनमें एब्जॉर्बेंसी भी बढ़ जाती है, जल की अवशोषण क्षमता भी इन वस्त्रों में बढ़ जाती है क्योंकि वो गोल तंतु नहीं रह के वो चपटा हो जाता है और चपटा अधिक पानी को अवशोषित कर लेता है। फिर नेक्स्ट है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग एक तरह की रासायनिक परिसज्जा है, केमिकल फिनिश है और केमिकल फिनिश है तो केमिकल यूज होता है तो इसमें कास्टिक सोडा से क्रिया कराई जाती है। तो वस्त्र जब बन चुका है, वस्त्र मिल में से बन के आ गया तो उस वस्त्र को एक निश्चित ताप और दाब, एक मतलब कंट्रोल्ड प्रेशर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है और उस पर हम कास्टिक सोडा में उसको 10 मिनट के लिए डुबो देते हैं। जो वस्त्र बन के आया है उसको कास्टिक सोडा में 10 मिनट के लिए डुबो देते हैं लेकिन एक निश्चित ताप भी होता है वहाँ, टेम्परेचर भी होता है, एक दाब यानी प्रेशर भी होता है। उसके बाद में उस कपड़े को निकाल लेते हैं कास्टिक सोडा में से 10 मिनट के बाद में और फिर वापस से तनु अम्ल यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उसको वापस से डाला जाता है जिससे कि वो वस्त्र उदासीन हो जाता है। पहले वो क्षार में था यानी एल्कली में, फिर उसको अम्ल में यानी एसिड में डाला, पहले एल्कली फिर एसिड तो फिर वो वस्त्र उदासीन हो जाता है। उसके बाद में उसको पानी से धो लिया जाता है। तो जब धो लेते हैं तो एक बार क्षार में एक बार अम्ल में जाने के बाद में तंतु जो है वो थोड़ा फैल जाता है और वस्त्र में जब तंतु थोड़ा फैल जाता है तो बीच का जो रिक्त स्थान है वो भर जाता है और भरने से वस्त्र की रचना बहुत घनी दिखाई देती है और उसकी सतह चिकनी चमकदार और उसकी अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है। जो मर्सराइज्ड कॉटन होती हैं उनकी अवशोषण क्षमता इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनको क्षार में भिगोया, फिर अम्ल में भिगोया, फिर उसको पानी से धो लिया तो उसके तंतु की जो बनावट है वो सघन हो जाती है, चौड़ी हो जाती है और वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है सैंफोराइजिंग। सैंफोराइजिंग जो है वो एक केमिकल और यांत्रिक परिसज्जा होती है। इसमें केमिकल भी यूज़ होता है, रसायन भी यूज़ होता है और इसमें मशीन का भी कार्य होता है, केमिकल और मैकेनिकल फिनिश होती है। और वैसे सैंफोराइजिंग जो है इसमें ये एक व्यापारिक चिन्ह होता है सैंफोराइज। सैंफोराइज चिन्ह जो है वो सूती वस्त्रों पर लगाया जाता है और जब हम सूती वस्त्र खरीद रहे हैं तो सैंफोराइज चिन्ह हमको देख लेना चाहिए क्योंकि सैंफोराइज चिन्ह अगर है इसका मतलब है कि ये वस्त्र अब कभी भी सिकुड़ेगा नहीं, मतलब धुलाई के बाद जो वस्त्र नहीं सिकुड़ते हैं तो उन पर सैंफोराइज का चिन्ह लगा हुआ होता है। तो इसको अधिकतर सूती वस्त्रों पर हमको देखना चाहिए। तो सूती वस्त्र को क्या करते हैं कि जब वस्त्र बन के आया तो उस पर हम कैलेंडरिंग प्रक्रिया करते हैं।
कैलेंडरिंग जो है हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, इसी में ही फिनिशेस में ही। तो कैलेंडरिंग प्रक्रिया होती है, कैलेंडरिंग प्रक्रिया के तुरंत बाद में टेंटरिंग होती है, वही 90 डिग्री के कोण पर ताने और बाने को रखना, फिर टेंटरिंग प्रक्रिया होती है। टेंटरिंग के बाद में उस पर मांड यानी स्टार्च लगाया जाता है। तो इस तरह से जो कपड़ा बनता है वो बहुत ही घना और चिकना कपड़ा हमको मिलता है, और वो कभी भी सिकुड़ता नहीं है। तो इसलिए सैनफोराइज चिन्ह अगर होगा तो वो कैलेंडरिंग किया हुआ है, टेंटरिंग किया हुआ है, और उसके बाद में उस पर स्टार्च लगा हुआ है, इसलिए ये सिकुड़ता नहीं है। टेंटरिंग में मशीन यूज हो गई, कैलेंडरिंग में भी वो मशीन जो रोलर्स हैं वो यूज होते हैं, स्टार्च एक केमिकल हो जाता है, तो इसलिए ये केमिकल और मैकेनिकल फिनिश कहलाती है। नेक्स्ट है स्थिर विद्युत अवरोधक परिसज्जा यानी एंटी स्टैटिक फिनिश। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है ना, तो उसकी एंटी करना मतलब उसको रोकना, तो एंटी स्टैटिक फिनिश। ये केमिकल फिनिश है, एक रासायनिक परिसज्जा है। इसको हम सिंथेटिक फाइबर्स पे ज्यादा देते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स जो है कृत्रिम वस्त्र उन पर, नायलॉन और ये सब, क्योंकि नायलॉन के, पॉलिएस्टर के ये जो कपड़े होते हैं ये आपस में जब समेटते हैं तो भी चिपक जाते हैं, खोलते हैं तो वो चिड़चिड़ की आवाज से, उनमें अगर अंधेरा हो तो स्पार्किंग भी दिखाई देती है। वस्त्र अगर कपड़े शरीर पर डाल लेते हैं तो शरीर पर भी चिपक जाते हैं, शरीर से हटाते हैं तो भी करंट जैसा लगता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसलिए इसको एंटी स्टैटिक बनाने के लिए जब कपड़े को वीविंग की जा रही है, जब बुनाई की जा रही है, तो वो जो वातावरण होता है उसको मॉइस्ट रखते हैं, मतलब नमी के वातावरण में उसकी वीविंग होती है, और थोड़े से उसमें रसायन भी उपयोग में लाते हैं जिससे कि वो विद्युत उसमें उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट है अवशोषण क्षमता परिसज्जा। अवशोषण मतलब एब्जॉर्बेंसी फिनिश, कि मतलब और ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्बेंसी फिनिश जो है वो एक केमिकल फिनिश होती है, रासायनिक परिसज्जा होती है, और रासायनिक परिसज्जा ऐसे कपड़ों को दी जाती है अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए जो बच्चों को यूज होते हैं, जो टॉवल्स वगैरह में, जहाँ जो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने वाले जो वस्त्र होते हैं उनमें ये फिनिश दी जाती है। और इस फिनिश में अमोनियम के जो यौगिक होते हैं उनसे क्रिया कराई जाती है, और अमोनियम के यौगिक से क्रिया कराने के बाद भी मर्सराइजिंग क्रिया भी होती है। अभी मैंने बताई मर्सराइजिंग, कि हम कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं, उसके बाद में डाइल्यूट HCl से, तो अमोनियम के यौगिक से भी क्रिया कराते हैं और मर्सराइजिंग क्रिया कराते हैं, तो वो जो कपड़ा होता है उसकी अवशोषण क्षमता बहुत बढ़ जाती है, और वो कपड़े अधिकतर टॉवल या फिर बच्चों के यूज के कपड़े होते हैं जिनकी की अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए परिसज्जाएं दी जाती है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया अवरोधक परिसज्जा, एंटी बैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक फिनिश। एंटी बैक्टीरियल फिनिश जो है वो एक तरह की रासायनिक परिसज्जा है, केमिकल फिनिश होती है, और केमिकल फिनिश इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे जो कपड़े यूज हो रहे हैं अगर उस पर जैसे पसीना लग गया तो उसमें बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव होने के कारण वो खराब भी हो सकते हैं, बदबू भी आती है, तो वो कपड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसको रोकने के लिए यहाँ अमोनिया से बने यौगिकों से क्रिया कराई जाती है जो कपड़े मतलब बैक्टीरिया अवरोधक बनाने होते हैं। तो उन कपड़ों पर अमोनिया से बने यौगिक से क्रिया जब कराई जाती है तो सूक्ष्म जीव उस पे पैदा नहीं होते हैं, और वो पसीने से या बैक्टीरिया से नुकसान उसका नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है फफूंदी अवरोधक परिसज्जा, मिल्ड्यू रेपेलेंट फिनिश, यानी फफूंदी को रोकने वाली परिसज्जा। ये एक तरह की केमिकल फिनिश है यानी रासायनिक परिसज्जा होती है, और इसमें क्या करते हैं कि जब साइजिंग करते समय, साइजिंग मतलब जब अभी मैंने कड़क करना ये बताया ना कि अस्थाई फिनिश होती है, वैक्स गम ये करके उसको कड़क बना देते हैं कपड़े को, तो जब साइजिंग कर रहे हैं तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया करा देते हैं। उसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड और टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन के ऑयल
तारपीन के तेल को भी इसमें उपयोग में लाते हैं, जिससे कि फफूंदी ना लगे। उसके अलावा हम देखते हैं फफूंदी उन कपड़ों में भी लग जाती है जिनको हवा नहीं दिखाते हैं, जिनको धूप नहीं दिखाते हैं, जिनको नमी में रखते हैं, हवा धूल मिट्टी लग गई फिर भी कपड़े को स्टोर कर दिया, तो इनके कारण भी फफूंदी लग जाती है। तो इनके कारण अगर फफूंदी लगी हुई है तो कपड़े को टाइम टू टाइम हवा दिखानी चाहिए, कपड़े को टाइम टू टाइम धूप दिखानी चाहिए, नमी में स्टोर नहीं करना चाहिए, तो उससे कपड़ों पर फफूंदी नहीं लगेगी। क्योंकि कई बार जब फफूंदी लग जाती है तो उसमें धब्बे लग जाते हैं, और अगर धब्बे हो गए तो उसको ब्लीच करके साफ किया जा सकता है, विरंजित करके कपड़े को साफ किया जा सकता है। तो आज जो अभी हमने पढ़ा वो है टाइप्स ऑफ फिनिशेस, यानी परिसज्जा के प्रकार। कई तरह की हैं परिसज्जाएं, जैसे पहली है ब्लीचिंग, जो ब्लीचिंग जो है वो केमिकल फिनिश है और ये कपड़े को और सफ़ेद बनाने के लिए यूज़ होती है। इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ किया जाता है, अधिकतर सूती और ऊनी कपड़ों के लिए। दूसरी है साइजिंग, कड़क करना कपड़े को, अगर सख्त और कोमल और चिकना बनाना है तो इस पर वैक्स और गम और स्टार्च लगाकर और उसको कड़क किया जाता है। फिर है सिंजरिंग, झुलसाना, ये एक मैकेनिकल फिनिश है यानी यांत्रिक फिनिश है। इसमें क्या कि कपड़ों पर अगर रोए लगे हुए हैं तो या तो गैस की फ्लेम के ऊपर से या फिर जो हॉट प्लेट्स होती हैं उनके बीच में से कपड़े को फटाफट बुझाया जाता है तो ऊपर के एक्स्ट्रा रोए हट जाते हैं, और ऊनी और सूती रेशों के लिए यूज़ होती है। फिर है टेंटरिंग फिनिश। टेंटरिंग फिनिश को हम मैकेनिकल फिनिश कहते हैं क्योंकि इसमें मशीन यूज़ होती है, जो ताने और बाने हैं उनको 90 डिग्री के एंगल पे लाने के लिए मशीन के दोनों तरफ पिंस लगी रहती है, तो वस्त्र की किनारी को उस पर लगा दिया जाता है और गर्म भाप में से उसको गुजारते हैं तो वो बिल्कुल सीधा आकार का कपड़ा हो जाता है। फिर है वस्त्र को कूटना, बीटलिंग। बीटलिंग में रसायन भी यूज़ होते हैं और मशीन भी यूज़ होती है, तो केमिकल फिनिश भी है और मैकेनिकल फिनिश भी है। वस्त्र को लकड़ी के रोलर्स में से गुजारते हैं, उस पर केमिकल बुरका देते हैं, फैला देते हैं, और फिर लकड़ी के हथौड़े से ही उसको थोड़ी कुटाई करते हैं तो उसके सूत चपटे हो जाते हैं, रिक्त स्थान उसका भर जाता है, तो इसलिए वो कपड़ा चिकना कोमल दिखाई देता है और उसकी अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है, और इसे सूती और लिनन कपड़ों पर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग केमिकल फिनिश है और इसमें कास्टिक सोडा से प्रक्रिया कराई जाती है, मतलब एक वस्त्र को निश्चित ताप और दाब पर 10 मिनट के लिए कास्टिक सोडा में डुबो देते हैं, उसके बाद में उसको निकालने के बाद में डेल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी तनु HCl अम्ल में डाल देते हैं जिससे कि वो उदासीन हो जाता है, फिर उसके बाद में मतलब न्यूट्रल हो जाता है, पहले एल्कली फिर एसिड फिर न्यूट्रल, फिर उसको पानी से धो लेते हैं। ऐसा करने से तंतु के जो मोटाई है वो बढ़ जाती है और वस्त्र के बीच की जो छेद हैं वो भर जाते हैं और रचना उसकी घनी हो जाती है, तो वो चिकना चमकदार हो जाता है और साथ ही साथ उसकी जल की अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है। फिर है सैल्फोराइजिंग। सैल्फोराइजिंग में ये एक केमिकल और मैकेनिकल फिनिश है। सैल्फोराइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह है, तो इस चिन्ह को सूती वस्त्रों पर अधिकतर देख लेना चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र पर इसलिए क्योंकि सूती वस्त्र अधिकतर सिकुड़ जाते हैं धोने के बाद में। अगर ये वाला चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब है कि सूती वस्त्र धोने के बाद नहीं सिकुड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या करेंगे कि पहले वस्त्र को कैलेंडरिंग फिनिश देते हैं, उसके बाद में टेंटरिंग फिनिश देते हैं और फिर स्टार्च लगाते हैं, तो केमिकल और यांत्रिक मैकेनिकल दोनों फिनिश करने के बाद में घना चिकना कोमल कपड़ा मिलता है जो कि धोने के बाद में नहीं सिकुड़ता है। फिर नेक्स्ट है स्थिर विद्युत अवरोधक परिसज्जा यानी एंटी स्टैटिक फिनिश। ये केमिकल फिनिश है, मतलब कुछ वस्त्र जो होते हैं सिंथेटिक स्पेशली, वो घर्षण से और पहनने से समेटने से चिपकते हैं, चड़चड़ की आवाज़ होती है या अंधेरे में उसमें स्पार्कलिंग होती है, तो उसको कम करने के लिए एक तो जब वो बनते हैं तब नमी का वातावरण रखते हैं और थोड़ा रसायन का भी उसमें यूज किया जाता है। फिर अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए फिनिश, वो एक केमिकल फिनिश होती है और वो उस जगह काम में ली जाती है जिन वस्त्रों में जल के अवशोषण का ज़्यादा यूज हो, जैसे टॉवल है, बच्चों के कपड़े हैं, तो इनमें अमोनियम के जो यौगिक हैं उनसे क्रिया कराई जाती है। उसके अलावा मर्सराइजिंग क्रिया भी होती है, मतलब कास्टिक सोडा और HCl से भी क्रिया करा देते हैं जिससे कि उसकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरिया अवरोधक परिसज्जा, एंटी बैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक
फिनिश, ये केमिकल फिनिश होती है और कभी कभी कपड़ों पर जब पसीना लग जाता है तो उससे बदबू भी आती है, वो उसको नुकसान भी करता है और वहाँ बैक्टीरिया भी डेवलप हो जाते हैं। और उनको हटाने के लिए, उनको रोकने के लिए वस्त्र पर से अमोनिया से बने यौगिकों से उस वस्त्र को क्रिया कराई जाती है। जब वीविंग के बाद आता है तो अमोनिया के यौगिक उस वस्त्र को बैक्टीरिया प्रूफ बना देते हैं। और लास्ट है फफूंदी अवरोधक परिसज्जा, एंटी मिल्ड्यू, मिल्ड्यू रिपेलेंट फिनिश। और मिल्ड्यू रिपेलेंट फिनिश जो है वो केमिकल फिनिश होती है। इसमें जब कपड़े की साइजिंग करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड और टर्पेंटाइन ऑयल भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। इन सब केमिकल्स से फफूंदी नहीं लगती। उसके अलावा भी फफूंदी कभी कभी लग जाती है अगर हम नमी के वातावरण में रख देते हैं, हवा नहीं लगाते कपड़े को, धूप नहीं दिखाते, तब भी हो सकती है। तो इसलिए हमको नमी के वातावरण में कपड़ों को नहीं स्टोर करना चाहिए, नमी हटा देनी चाहिए, धूप दिखानी चाहिए कपड़ों को, हवा में टांगना चाहिए थोड़ा सा। फिर भी अगर फफूंदी लग जाती है और धब्बे हो जाते हैं तो धब्बों को हटाने के लिए ब्लीच यानी विरंजन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिससे कि वस्त्र पे से धब्बे हटके और वस्त्र साफ हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ टाइप्स की परिसज्जाएं हैं, कुछ फिनिशेस हैं, और जो कुछ और फिनिशेस हैं वो नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।